अपने निजता से जुड़ने का सबसे बड़ा सूत्र और मंत्र योग है। दंड भी बहुत जबरदस्त लगाती है, चलो दंड ही लगा लो। आज हमारी पिच अच्छी नहीं है। जो साइकिलिंग करता है उसको ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होती। हम ये योगाभ्यास कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम ही कर रहे हैं। ऐसे पटकना। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम पूर्णिया से कर रहे हैं। वक्त की गर्दिशों का गम ना करो, हौसले मुश्किलों में ही पलते हैं। वरना किसने ये सोचा था कि कोरोना के कोहराम के दौरान इंडिया टीवी का एक कार्यक्रम लोगों के बीच इस कदर मकबूल होगा, इस कदर पहचाना जाएगा कि सालों दर साल ये प्रोग्राम चलेगा और इस प्रोग्राम के जरिए देश के लाखों लोग कोरोना जैसे वायरस को हराएंगे भी और साथ ही साथ शरीर के जो दुश्मन हैं, बीमारियां हैं, उनसे भी लड़ाई का एक बेहतरीन तरीका सीखेंगे। लेकिन ये हमने करके दिखाया है। स्वामी रामदेव के साथ लगातार ये कार्यक्रम बरसों से आपके साथ जुड़ा रहा और ये कार्यक्रम कामयाबी की एक मिसाल बना है। आपने हुसैन बिल्कुल ठीक कहा, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है, कुछ वैसे ही जैसे विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव और इंडिया टीवी की मुहिम ने कर दिखाया है। 4 अप्रैल 2020 यानी कि आज ही का दिन था जब कोविड से लोगों को बचाने के लिए इस हेल्थ शो की शुरुआत हुई, जो वक्त के साथ रोग मुक्त भारत का अभियान बन गया। अमित, बिल्कुल, देश हो या विदेश, सरहद के इस तरफ या फिर सरहद के उस तरफ, स्वामी रामदेव जहां भी रहे लोगों की सेहत सुधारने का सिलसिला लगातार जारी रहा। बिल्कुल अमित, और रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग न्यूज चैनल्स की दुनिया में पहला ऐसा शो है जो लोगों को जीना सिखा रहा है और जिंदगी की राह में आने वाली परेशानियों का हल भी बता रहा है। और खुशी इस बात की भी है कि इस योग पथ पर हमने चलना शुरू किया वो देश के लाखों करोड़ों लोगों के साथ चलने से आज एक कारवां बन गया है। बिना रुके बिना थके योग उनकी जिंदगी की आदत बन गया है। तो चलिए आपके इस फेवरेट शो की 4th एनिवर्सरी पर योग गुरु स्वामी रामदेव से योगिक आशीर्वाद लेते हैं और सालगिरह के शुभ मौके पर नए और पुराने सभी दर्शकों के लिए एक बार फिर से योगिक शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से योग के सिलसिले की शुरुआत हो, पहला कदम कैसे बढ़ाया जाए ये जानने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। योग को घर घर तक पहुंचाने की मुहिम कितनी कामयाब रही है ये आपके बिना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं था। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे साथ यहाँ बच्चे दौड़ भी लगा रहे हैं, ये नए बच्चे हैं, और इधर कुश्ती भी हो रही है। चलो दौड़ लगा पूरे, दौड़ो दौड़ो। तो एक तरफ बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और जो है इधर देखो हमने योग के साथ मल्ल युद्ध, और वो भी बेटियों का। लोग कहते थे बेटियां अबला होती है, मैंने कहा जरा बच के रहना, इतनी बलवान है ये बेटियां भी, और हमारे बेटे आगे उधर तैयार है, और इधर बेटियां उधर आप बच्चों को देख रहे हैं हमने। और ये तो नीचे जमीन पर योग देख रहे हैं आप, जो अलग अलग आसन यहाँ संपादित करते हुए, इधर ये ऊपर योग हो रहा है, और इसमें भी इसको मलखंब योग बोलते हैं, रस्सी योग भी बताया था हमने, और इधर जो है ये हमारा निपुण ये दंड योग कर रहा है। ओहो, ये तो कुछ चित्र विचित्र योग हो रहा है, और इधर भी इसने तो क्या नाम है, शकुंतला, कहां से, पिपरिया, हाँ क्या ठीक किया, कैंसर ठीक किया, दिखाओ तेरा कितना है, दिखाना
हे रामा, ये तो जीभ में कैंसर था पूरा क्लियर, दो हजार डॉक्टरों ने बोला था। एक तरफ ऊपर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है, वो उसका भी अभिनंदन करता है। वाह वाह, क्या बात है ये स्वामी जी, ये तो जबरदस्त हो गया कार्यक्रम आज तो। बच्चे आनंद ले रहे हैं, चार साल बेमिसाल हाँ शो के, और इसमें बच्चे आनंद ले रहे हैं। इसने जीभ का कैंसर ठीक कर लिया, 200 घंटे का पाल भाती अनुलोम। ओ हो, और तेरा कितना इंसुलिन था? 80 यूनिट। क्या नाम है? सार्थक का 80 यूनिट इंसुलिन एक महीने में बंद हो गया। और आँख में? एक आँख में आ गई है। दोनों आँख चली गई थी डायबिटीज के कारण से, एक आँख में आई है, अब देखने लग गए। संकुतला का कैंसर, इसने तो अपना डिप्रेशन ठीक कर लिया। क्या नाम है स्वामी जी? देखिए, एक बात तो तय है कि इंसान अगर चाह ले, मन में अगर ठान ले, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बड़े से बड़ा रोग भी खत्म किया जा सकता है, बस विश्वास की जरूरत है और अथक प्रयास की जरूरत है, जो इस कार्यक्रम के जरिए लगातार आपके साथ जुड़कर लाखों करोड़ों लोग देश और विदेश में भी इस योग के जीवन को अपना रहे हैं। स्वामी जी, आज तो हुसैन का भी शो से वनवास खत्म हो गया है, वो भी सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुसैन, मीनाक्षी, आज मैं दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर पूर्णिया में हूँ। ये बिल्कुल सरहदी इलाका है, बंगाल, वेस्ट बंगाल से बिल्कुल टच होता है, एक तरफ नेपाल है। और एक और चीज जो स्वामी जी को यहाँ से मुझे बतानी है कि ये मेडिकल का बहुत बड़ा हब है। यहाँ पर आर्सेनिक मिला हुआ जो पानी है, उसकी वजह से यहाँ पर बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। और मेडिकल का ईस्टर्न इलाका जो है हिंदुस्तान का, वहां का बहुत बड़ा हब है। इसलिए स्वामी जी की के साथ आज मैं यहाँ से खास तौर से जुड़ा हूँ, क्योंकि इस इलाके को योग की बड़ी जरूरत है स्वामी जी। और हमारे साथ स्वामी जी एक बहुत ही खास शख्सियत है, जो इस शहर की गुलाम सरवर साहब, जो खुद अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं योग के जरिए, रोजों के जरिए। रोजे का तो महीना ही चल रहा है, बॉडी पूरी डिटॉक्स कर रहे हैं। लेकिन जिस छत पे स्वामी जी हम बैठे हैं, आपसे कई चीजें इनमें बिल्कुल मिलती जुलती सी हैं, पेड़ पौधों से, प्रकृति से, नेचर से इनका जो लगाव है वो जबरदस्त है। इस जिस छत पे मैं बैठा हूँ, ये पूरा एक टेरिस गार्डन है स्वामी जी, और इस गार्डन के लिए गुलाम सरवर साहब को कई बार अलग अलग मौकों पर जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इनाम और इकराम से भी नवाजा है। लेकिन योग का भी इनका जो अपना शौक है वो भी बड़ा दिलचस्प है। गुलाम साहब, स्वामी जी आपसे सीधे जुड़े हुए। अरे वाह स्वामी जी, फिर से हेलीकॉप्टर आ गया पुष्प वर्षा के लिए। यहाँ पर अब आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ, अब आप बोले जरा गुलाम साहब। गुलाम साहब, अब आप बात कीजिए स्वामी जी से। आप नमस्कार स्वामी जी, आपको नमस्कार भेज रहे हैं पूर्णिया की धरती से। जी सबसे ज्यादा लग रहा है खुशी हेलीकॉप्टर वाले भाई साहब को ही हो रही है, वो पुष्प वर्षा का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्वामी जी देखिए, योग करते करते इंडिया टीवी के साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं, चाहे वो इस देश में हो या फिर विदेश में हो, वो लगातार आपके साथ इंडिया टीवी के माध्यम से जुड़े हुए। और आप हमेशा ये कहते हैं कि 40 मिनट योग अगर हर रोज किया जाए तो कोई भी बीमारी पास तक नहीं फटकेगी। लाखों लोगों ने इसे अपनाया भी है, लेकिन स्वामी जी हर दिन हमारे साथ नए लोग जुड़ते हैं। तो आज शो की सालगिरह पर एक बार फिर से आप वही, जैसे कहते हैं ना हिंदी की कक्का बाड़कड़ी सिखाना या फिर ABCD सिखाना अंग्रेजी में कहा जाए, तो स्वामी जी कहां से शुरुआत करें? जो पहली बार योग कर रहे हैं वो शुरुआत कैसे करें? तो उनके लिए हम कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, आज से शुरू करें। तो एक तो देखो, इधर
बच्चे पहले बेटियों का अपने मल्ल युद्ध देखा और बेटियां इधर पश्चिमोत्तान आसन से लेकर के चलो हनुमान आसन करो, हनुमान आसन से लेकर के और इधर बच्चे भूनमन आसन करो और जो है ये आज तो कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेशन हो गया। लेकिन स्वामी जी वाकई में ये पुष्प वर्षा बनती है क्योंकि खूब थी तो हवा अच्छी लग रही है। स्वामी जी पिछले चार साल में कोरोना के दौरान लाखों करोड़ों जिंदगियों को बचाया गया है और मुझे लगता है कि इसके लिए आपका अभिनंदन है क्योंकि लगातार आप जुड़े रहे हमारे साथ, कभी एक दिन भी आपने छुट्टी तक नहीं ली स्वामी जी। और आगे भी नहीं लेनी है, योग जीवन है और योग से ही जीवन है और हमारा पूरा जीवन योगमय होना ही चाहिए और इसके लिए देखो इधर हम अलग अलग तरह के योगाभ्यास, चाहे इधर हनुमान आसन हो रहा है, चाहे इधर भुवनमन आसन हो रहा है, उधर प्राणायाम हो रहा है। आप देख रहे थे कैंसर से लेकर के टाइप 1 डायबिटीज से लेकर के पैरालिसिस से लेकर के क्या क्या नहीं ठीक किया है। और इधर देखो ये ऊपर वाला योग देख करके तो मलखंब वाला योग जो बच्चा ऊपर कर रहा है दोनों हाथों पर ऐसे ये नियंत्रण बना करके रखना, राजेश इसको मना करो भाई आगे जाए, तो क्या जबरदस्त और ऊपर से छलांग लगा करके और वो भी सीधी नहीं उल्टी छलांग लगाता है बच्चा। ओ हो, अरे वाह क्या बात, ये सब देख करके तो मन बहुत ही हर्षित और आनंदित है कि कैसे कैसे योग के ये कर्तव्य दिखा रहे हैं। और हमने सारे जो हमारे परंपरागत तत्व थे मल्ल युद्ध से लेकर के जोरो कराटों से लेकर के कुंफों से लेकर के योग के सारी विधाओं को एक साथ हमने समायोजित कर दिया। ऊपर देखो मलखंब पर ऐसे कठिन योग करना बड़ा चैलेंजिंग होता है लेकिन ये सब बच्चे बड़े निपुण हो गए। और योग से हमने जहाँ लोगों के रोग मिटाए हैं, लोगों के जीवन में खुशियाँ दी हैं, मैं रोज बोलता हूँ जब विधि विधान के साथ मंडूक आसन अभी सिखा रहे हैं वज्रासन में बैठ के और अंगूठा अंदर अंगूठिया ऊपर मुठियां पर 5 से 10 आसन 5 से 10 प्राणायाम, इससे कंप्लीट एक्सप्रेशन फिजिकल मेंटल इमोशनल सोशल स्पिरिचुअल यूनिवर्सल कंप्लीट एक्सप्रेशन कंप्लीट बैलेंस केमिकल सोल्स हार्मोन्स का बॉडी माइंड थॉट का और संतुलन आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का सब प्रकार से कंप्लीट एक्सप्रेशन कंप्लीट बैलेंस कंप्लीट रिजुविनेशन। हमने लीवर किडनी हार्ट लंग ब्रेन के सेल्स को रिजुविनेट किया और उससे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया और एंटी एजिंग का काम किया, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम किया योग ने। शीर्षासन जो हम करते हैं, चलो बच्चों शीर्षासन करो आप और आप सर्वांग आसन करो, ये तो कठिन कठिन आसन तो करते ही है, मैं चाहता हूँ शीर्षासन भी करें, ये एंटी एजिंग का काम करता है शीर्षासन और सर्वांगासन। पहले दीवार के साथ करें ऐसे, जो इतना ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले, अनुलोम विलोम भी करवा रहे हैं हम। ये शीर्षासन पहले दीवार के साथ धीरे धीरे बैलेंस बन जाएगा। देखो 20+30 20 साल मेरे सन्यास से पहले के और 30 साल का मैं सन्यासी हो गया, रामनवमी पर 30 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और ये 50 वर्षों का मेरा योग का अनुभव उसको हमने शेयर किया कि ये एंटी एजिंग का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, ये एंटीबायोटिक का काम करता है, ये आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज पैदा हो गए उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है, नेचुरल पेन किलर का, नेचुरल स्टीराइड का, जिसको जो है फाइटोस्टीराइड कहते हैं, अलग अलग प्रकार की जो सिंथेटिक मेडिसिन ले रहे थे, अब ये मंडूक आसन 100 से ज्यादा बीमारियों का समाधान है, ये शीर्षासन ये सर्वांगासन। स्वामी जी मंडूक आसन की तरह ही पद्मासन में जो बैठ सके, अब देखो ऐसे पद्मासन में बैठ गए आपने स्वामी जी, शीर्षासन को लेके किस तरह से अमित जी, किस तरह से अमित जी आपने, मीनाक्षी जी ने, ज्योत्सना जी ने, पूजा जी ने, हुसैन भाई ने अद्भुत काम किया है। नहीं स्वामी जी बिल्कुल, आपका जो आप कह सकते हैं ना मार्गदर्शन मिला है उसी से हम यहाँ तक आ पाए हैं, उसके लिए तो मैं हर बार कहूँगा जितनी बार भी मौका मिले आपको जितना भी हम अपनी शुभकामनाएं दें जितना भी हम धन्यवाद कहें कम है। लेकिन स्वामी जी एक और बात है जिसके बारे में मुझे लगता है कि जो आज जुड़ रहे हैं उनके लिए भी जानना जरूरी हो जाता है। आप हमेशा कहते हैं कि सूर्य नमस्कार 12 आसनों का संगम है,
तो क्यों ना सबसे पहले स्वामी जी ये सूर्य नमस्कार के 12 आसन एक एक करके समझा दीजिए, क्योंकि तो ये अपने आप में बोलते हैं ना कंप्लीट पैकेज है सूर्य नमस्कार। हाँ ये भी अच्छी बात है, उसको भी समझाते हैं। हमने बड़ी बड़ी बातें तो बताई, आज भी बता रहे हैं कि कैसे डीजनरेटिव सेल्स को, टिश्यू को, ऑर्गन को, जीन्स क्रोमोसोम्स को, आरएनए डीएनए प्रोटीन और प्रोटीन फास्फोराइलेशन को हम रेगुलेट करते हैं, रीजुविनेट करते हैं अपने पूरे सिस्टम को, कैसे एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम हम अपने जीवन में पैदा करते हैं, ऐसा सुरक्षा चक्र। ये कठिन कठिन अभ्यास तो भाई दो कर सके वही करना जो इधर बेटियां कर रही हैं और इधर जो बेटे करने में लगे हुए हैं, तो 12 अभ्यास तो सब कर सकते हैं। चलो बच्चों आप मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो सभी। हाँ, और इसमें सबसे पहला है प्रणाम आसन, दोनों पैर पास में, दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में, दोनों हाथ ऊपर ऐसे, ये और पीछे चले, सांस बाहर छोड़ा और आगे झुक गए और माथा फिर घुटनों से लगाया और दाहिने पैर पर ऐसे बैठ गए, ऐसे फिर दाहिना पैर भी पीछे चला गया ऐसे, फिर आगे आ गए। ये छठा और ये सातवां मूल अभ्यास है। फिर वापस होते हैं, इसको पर्वतासन कहते हैं, इसको अश्व संचालन आसन कहते हैं, इसको पाद हस्तासन कहते हैं, इसको ऊर्ध्व हस्तासन कहते हैं, इसको प्रणाम आसन। हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का पूरा व्यायाम, प्रणाम आसन, सांस भर के प्रणाम भी हो रहा, पीछे गए ऊर्ध्व हस्तासन, आगे झुके, बस श्रीका कपालभाति भी हो गया, मूल बंद उड्यान बंद भी लग गया, तो एक साथ कितनी चीजें हो रही है, आसन भी हो रहे हैं, प्राणायाम भी हो रहा है, ध्यान भी हो रहा है, एकाग्रता से कर रहे और व्यायाम भी हो रहा है ऐसे, ये तो एक प्रवाह से ये 12 अभ्यास। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह ऐसे, बहुत ही जबरदस्त है ये सर्वांगीण व्यायाम। ये सारे बच्चे आप यहाँ देखते हो पतंजलि गुरुकुलम के, एक तरफ तो सूर्य नमस्कार मेरे साथ कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बेटियां कठिन आसन भी कर रही हैं और ये 12 अभ्यास ही कर रही है ना, इसी में ही पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। प्रणाम आसन करना, श्वासों का संतुलन, पीछे गए तो देखो इससे पूरी स्पाइन की एक्सरसाइज है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग, इससे पूरी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ होती है, इससे पैर के मसल्स, इससे हाथों के मसल्स, फिर इससे बाइसेप ट्राइसेप और पूरा हमारी चेस्ट ब्रेस्ट सब, फिर ऐसे एक तरह से पूरे शरीर को स्वस्थ सुंदर सुडोल और आकर्षक बनाने का अभ्यास है। तो ऐसे एक एक अभ्यास को जब प्रामाणिकता के साथ करते हैं तो हमारे शरीर से रोम रोम से ऊर्जा प्रस्फुटित होती है, आप्लावित हो जाते ऊर्जा से, हम भीतर बाहर एक सुरक्षा चक्र तैयार हो जाता है। और अच्छा स्वामी जी, ये पिछले 4 सालों में हम किया, 5वें साल में प्रवेश कर गए और टीवी के इतिहास में ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और किया जाने वाला प्रोग्राम है, बाकी तो न्यूज देख सकते है ना आप, बिल्कुल अब आप कर तो सकते नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो स्वामी जी, कई बार मैं और ज्योत्सना चूंकि शुरुआत से योग हमने यही इसी कार्यक्रम से सीखना शुरू किया, तो हम पुराने दिनों को जब याद करते हैं, जब पहला ही हफ्ता था इस शो का, स्वामी जी मुझे तो याद है कि एक एक आसन बार बार मैं देखती थी कि दाया पांव कहाँ जा रहा है, बाया पांव कहाँ जा रहा है, गलतियां भी करती थी, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि गलतियों से सीखते सीखते कैसे एक 4 साल का लंबा सफर हमने आपके साथ तय कर लिया। स्वामी जी सूर्य नमस्कार ये 12 आसनों को सीखने में ही अच्छी खासी जद्दोजहद थी शुरुआत में, लेकिन कैसे ये इतना आसान बनता गया, सब कुछ आपकी वजह से हुआ स्वामी जी। सूर्य नमस्कार के बाद बात आती है आसनों के राजा शीर्षासन की, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सिखाया। लगातार योगाभ्यास के बाद भी बहुत से लोगों के लिए शीर्षासन करना आसान नहीं होता, इसे कैसे किया जाता है, हाथ गर्दन और पैरों का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए स्वामी जी, ये भी समझाएं। देखो अभी बेटियां कर रही है, चलो सिर झुकाओ, अब हाथों की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक किया, सिर झुका के रखा, फिर देखो
सुरों में थोड़ा कपड़ा भी रख सकते हैं, टॉवल रख सकते हैं। मैंने कहा जिनका सुरों में संतुलन नहीं बनता है, दीवार के साथ कर सकते हैं। तो पहले एक एक पैर को उठाते हैं, फिर दूसरा पैर ऐसे ऐसे उठाते हैं। ये तो बाद में अभ्यास होने के बाद में ऐसे दोनों पैर उठाने वाली प्रक्रिया हो पाती है ऐसे। तो ये, लेकिन जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनके आँखों में प्रेशर पहले से ही बढ़ा हुआ, ग्लूकोमा की जिनको दिक्कत है, उनको ये अभ्यास नहीं करने हैं। ये उन्हीं को करना है जो पूर्ण स्वस्थ। बच्चों को बचपन से करवा दिया जाए ना, तो ज़िंदगी में फिर कभी भी बच्चों को हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कभी भी जीवन में स्ट्रेस नहीं होगा, उनका आई के लेवल मेमोरी बहुत ही ज़बरदस्त होगी वापस आते समय भी ऐसे ही। तो ये बेटियाँ जैसे कर रही हैं, इसी में पद्मासन लगा लेती है। ये तो पद्मासन लगा करके और फिर पद्मासन में ही नीचे उतर करके फिर कुक्कुटासन, फिर बद्ध पद्मासन, फिर उत्थित पद्मासन, फिर गर्भासन, ऐसे एक के बाद दूसरा प्रवाह से। चलो पद्मासन में नीचे उतरो, अब पद्मासन में नीचे उतर जाती है और पद्मासन में नीचे उतर करके ऐसे। तो ये मैं आपको जो बता रहा था कि आसनों का पहले तो एक एक करके ही अभ्यास करना पड़ेगा, बाद में प्रवाह से आप। अभी आज अच्छी खासी धूप है, विटामिन डी 80% लोगों को कम मिलता है। अब सूर्य नमस्कार और यह आसन धूप में सूरज में बैठ के करें तो 80% लोगों के विटामिन डी की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। तो शीर्षासन ये एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। स्वामी जी आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, लेकिन साथ साथ सारा टीवी पर भी नजर डालिए। ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण कर देता है। आप चाहे शिकागो में हो, ऊर्जा का पतन होता है, चाहे आप शंघाई में हो, चाहे आप न्यूयॉर्क में हो, आप दुबई में हो, योग करना तो आपने कभी नहीं छोड़ा, योग करवाना भी आपने कभी नहीं छोड़ा। तो ये जहां जहां जिन जिन देशों में आप रहे स्वामी जी, उन सभी का एक पूरा कोलाज हमने तैयार कर लिया है। चाहे कोई भी देश हो, भारत हो या विदेश हो, अब देवप्रयाग की ही तस्वीरें, इतनी बड़े बड़े पहाड़ों पर भी, पथरीली जमीन पर भी, रेतीली भूमि पर भी, चाहे वो हरिद्वार हो या फिर चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हो, अयोध्या का भी वो दौर कौन भूल सकता है स्वामी जी, बीकानेर, मुंबई, दिल्ली, ऐसा लग रहा है कि शहर, कोई शहर छोड़ा ही नहीं, कोई देश छोड़ा ही नहीं स्वामी जी। ये बात तो है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा रही है हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत शर्मा जी की, ऋतु जी की। जैसे ही कोरोना काल चल रहा था, मैंने ऐसे ही फोन किया, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है, तो हम आपस में बात ही कर रहे थे, तो मैंने कहा क्या किया जाए। तो बोले स्वामी जी योग वाला इंडिया टीवी पर शुरू कर दें, क्योंकि करोड़ों लोग उस समय टीवी से ही चिपके रहते थे। और आश्चर्य होगा उस समय इंडिया टीवी को जितने जी सी बोलते हैं ना, जनरल इंटरटेनमेंट चैनल, चाहे सोनी है, जी है, कलर्स है, सुबह के समय सारे चैनल पीछे बहुत दूर होते थे। इतने मतलब सारा देश इंडिया टीवी से, ऐसे जैसे रामायण महाभारत देखा था कभी दूरदर्शन पर, ऐसे लोग शो देखते थे। और अभी भी वो संख्या मेंटेन है बहुत बड़े स्तर पर, माने आज भी सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी की जरूरत है अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए, अपने बीपी को, अपने शुगर को, अपने थायराइड को, और जिनको रोग है उन रोगों को मिटाने के लिए, रोग मुक्त रहने के लिए, जो रोगी हैं उनको निरोगी बनाने के लिए, जो निरोगी उनको उपयोगी बनाने के लिए, क्या क्या भूमिका है योग की। योग केवल मात्र एक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान भर नहीं है। योग से तो हमारे जीवन की जिस प्रकार से उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता बढ़ती है और जीवन में दिव्यता आती है ना, वो अपने आप में अनोखी है। मेरी बहन श्रद्धा भाई, स्वामी जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, अमित जी और हमारे हुसैन भाई, इसमें स्वामी जी मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, दीवारों को ही लांग गए हम। मैं स्वामी जी एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस वक्त कोरोना की शुरुआत हुई थी, उस दौरान भारत की चीन के साथ सीमा में काफी टेंशन चल रही थी, और उस दौरान जब मुझे मौका मिला था लद्दाख जाने का, और जब मैंने आईटीबीपी कैंप में गया था, आपसे हमने शो भी किया था स्वामी जी लद्दाख से, तो आपको याद होगा कि सरहद पर जो जवान है वो भी आपको देखते हैं, वो भी हमारा शो देखते हैं, और शो के जरिए उन्होंने माइनस जो टेम्परेचर चलता है 50 तक चला जाता है, 30 तक चला जाता है, वहां पर खुद को उन्होंने मजबूत रखा है स्वामी जी। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, यहाँ तक कि जो हमारे देश के रक्षक हैं वो भी आपको देखते हैं, आपसे योग सीखते हैं स्वामी जी। सैनिक का वो भी करते हैं, और हमारे ये बच्चे हैं ना, इनको तो देख करके मुझे ऐसा लगता है योग से नए योद्धा तैयार हो रहे हैं। क्या बात है,
स्वामी जी आपने तो खुद माइनस डिग्री टेम्परेचर में योग किया है, वृक्षासन, आपने अपने शरीर को जिस तरह से साधा है, सभी यही कोशिश करते हैं कि उसके आसपास तक पहुंच पाएं। और चूंकि आसनों के राजा की बात हुई यानी कि शीर्षासन, और अब बात करते हैं आसनों की रानी की यानी कि सर्वांगासन की, क्योंकि हर कोई शीर्षासन तो कर नहीं सकता, तो उसके लिए सर्वांगासन करना भी बहुत बेहतर होता है आप बताते हैं, और सभी अंगों को एक्टिव करने वाला ये आसन है सर्वांगासन। तो इसे कैसे किया जाए, किन बारीकियों पर ध्यान दिया जाए और क्या गलतियां नहीं करनी है इस आसन को करते हुए, स्वामी जी उसके बारे में भी बताइए। ये भी बताते हैं। चलो बेटियों, ये तो जो है कुछ ज़्यादा ही एडवांस आसन करने में लगी हैं बेटियां, तो इनको देख करके भी बहुत प्रेरणा मिलती है। चलो बच्चों, तुमने बहुत ज़बरदस्त जो है अलग अलग फिटनेस के आयाम पूरे किए हैं, अब बैठो तुम भी प्राणायाम करो, और इधर अब सब बच्चे मेरे साथ सर्वांग आसन करो। चलो कैसे करना है, सीधे लेट गए, दोनों पैरों को पास में मिलाया, ऐसे उठाया हथेलियाँ नीचे की ओर, और फिर जब पैर पीछे की तरफ चले जाते हैं 90 डिग्री पर उठाए, पीछे 160 180 डिग्री तक ऐसे ले जाते हैं, तो फिर हाथ पीछे लगा सकते हैं ऐसे उठा के, अंगूठा पेट की तरफ, अंगुलियां पेट की तरफ। जिनको हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप है, हृदय की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत अधिक सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन है, जिनको वर्टिगो, उनको ये नहीं करना, ऐसे करना। अब इसमें एक सीध में पैर, पेट, पीठ, एक सीध में कंधों और सिर पर पूरे भार का संतुलन। कुछ ऐसे पीछे की तरफ पैर ज़्यादा कर देते हैं, कुछ ऐसे आगे की तरफ पैर ज़्यादा कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। ऐसे जब सीधे देखे ना, तो ऐसे एक सीध में घुटने, एड़ियाँ, अंगूठे ऐसे मिले हुए, आंखें खोल के अंगूठों को देख सकते हैं, आंखें बंद भी रख सकते हैं। दूसरा इसका अभ्यास है, हाथ नीचे ले आए, ये तो कमर के पीछे हाथ लगाया था, अब हाथ बिना लगाए निरालंब सर्वांगासन। कैसे, देखो ऐसे, इसमें पूरा ऐसे उठा देते हैं, और पूरा बैलेंस कंधों और सिर के ऊपर ही, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक किया और ऐसे कर रहे हैं। देखो ये कितना अच्छा है अभ्यास, तो इसमें श्वास चलते रहते हैं, श्वास रोकने की जरूरत नहीं, रोकने भी नहीं चाहिए, रोकना खतरनाक हो सकता है। तो हाथों के अंगुलियों को इंटरलॉक करके हाथों को पूरा सीधा कर दिया, कंधों पर, सिर पर पूरे शरीर का भार का संतुलन किया, फिर वापस आ गए। जितनी देर शीर्षासन सर्वांगासन करते उतनी देर शवासन करते, शीर्षासन और सर्वांगासन के बाद शवासन, या खड़े होकर के थोड़े रिलैक्स होकर के आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं, समय का ज़्यादा उपयोग करना है तो। और 2 मिनट से शुरू करके इसको 1 घंटे तक, और विशेष परिस्थितियों में जब भी बैठा हूँ बाएं करवट लेकर के बैठे, तो हम 3 घंटे तक आसन की सिद्धि, मैंने बचपन में पढ़ा था, कहीं संदर्भ तो नहीं मिला ऐसे, लेकिन गुरु परंपरा से 1 घंटे से लेकर के 3 घंटे में आसन की सिद्धि मानी जाती है। आप अभी बहन का सुन रहे थे कि उसने कैंसर को पराजित कर दिया, हे मेरे राम, किस चीज़ से, जो है शकुन बहन ने जीभ का कैंसर, क्या किया, 3-3 घंटे कपाल भाती और 3-3 घंटे अनुलोम, ऐसे 3-3 घंटे मैंने शीर्षासन भी कराया। तो लेकिन ये सबके लिए नहीं है, 2 मिनट से लेकर 10 मिनट पर्याप्त है सबके लिए। तो विशेष परिस्थितियों में 1 घंटे से 3 घंटे तक आसन, 1 घंटे से 3 घंटे तक प्राणायाम करा के कैंसर, असल MS ऑटोमन डिजीज जैसी बीमारियों को ठीक किया है। बाकी लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, BP, शुगर, थायराइड, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं पर विजय पाना, ये तो बहुत साधारण सी बात थी। हमने पेयर योगा भी कराया, ये तो इधर मैंने देखा तब ध्यान आया, रे ये भी चल रहा है। मैं और ज्योत्सना तो 4 साल से स्वामी जी पेयर योगा कर रहे हैं। स्वामी जी हमने 3 बड़े आसनों की बात कर ली है, और लेकिन देश को ही जोड़ दिया हमने, ज्योत्सना और मीनाक्षी जी को ही नहीं, सारे देश को जोड़ दिया। स्वामी जी अब बात सूक्ष्म व्यायाम की कर लेते हैं, क्योंकि हार्ट, लंग, अर्थराइटिस और जॉइंट्स पेन, तमाम बीमारियों में सूक्ष्म व्यायाम काफी ज्यादा कारगर होता है, और एक एक कर सभी आप सिखा दीजिए। हाँ देखो, जो आसन कर सके, कठिन आसन भी दिखा दिया हमने,
और पैर योगा भी दिखा दिया, एडवांस योगा भी दिखा दिया, मलखम्ब योगा भी दिखा दिया। ये सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने से ही बड़े बड़े रोग मिटा लेते हैं। जैसे सार्थक ने 80 यूनिट इंसुलिन बंद कर दी, गोरांश ने 14 यूनिट इंसुलिन से टाइप 1 डायबिटीज, गोपाल ने 13 यूनिट इंसुलिन बंद कर दी, कैंसर ठीक कर लिया, अशोकी देवी ने दोनों आंखों की रोशनी वापस आ गई, पैरालिसिस ठीक कर लिया, आपने देखा ये ला है? और क्या क्या माइग्रेन पेन डिप्रेशन, सारे रोग तो मिटते हैं। जो ज्यादा ना कर सके खाली ये सूक्ष्म व्यायाम, देखो कोनिया सीधी, अंगुलियां ऊपर, अंगूठा अंदर, ऐसे ऐसे कर ऐसे, तो एक एक करके ये सूक्ष्म व्यायाम यही करें। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही पूरा करने से पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है, ये हमने करके दिखाया। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही मैं देखता हूँ करीब 50% लोग जो कठिन आसन नहीं कर पाते, दो चार सूक्ष्म व्यायाम, दो चार हल्के आसन और भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम ही करके उन्होंने अपने जीवन को रूपांतरित कर लिया। करोड़ों लोग हैं, इंडिया टीवी उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया, योग उनकी जीवन शैली बन गया। माने उनको इंडिया टीवी ऐसा लगता है यह हमारा टीवी है, इंडिया का टीवी है, भारत का टीवी है, यह हमारे योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म से, अपनी मूल प्रकृति से, मूल संस्कृति से हमें जोड़ने वाला टीवी है, हमें अपने जड़ों से, अपने बड़ों से, पेड़ों से, प्रकृति से जोड़ने वाला टीवी है। तो सुबह की शुरुआत जो है लोग भविष्यवाणी से लेकर के, फिर योगवाणी से लेकर के, और आज जी, अगर आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है, एकात्म भाव से, जो योग का मूल सिद्धांत है एकत्व है। ओ हुसैन भाई, आपकी आवाज बहुत बुलंद पहुंच रही है, हिंदू मुसलमान सबको जोड़ दिया स्वामी जी। देखिए मैं, हाँ स्वामी जी देखिए, आजकल मैं भ्रमण योग पर हूँ और लोगों की राजनीतिक जागरूकता अवेयरनेस को चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ हर तरफ योग जो है, योग को लेकर के खूब लोग अवेयर हैं और प्रकृति को भी लेकर के जबरदस्त अवेयरनेस है। आज मैं जिनके साथ बैठा हूँ, गुलाम सरवर साहब बहुत शानदार आदमी है, योग करते हैं, रोजे रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और प्रकृति से जो इनका प्रेम है वो भी बड़ा जबरदस्त है और आपकी बड़ी तारीफें करते हैं कि आपसे बहुत कुछ देख करके उन्होंने सीखा है। गुलाम सरवर साहब, आप स्वामी जी आपसे सीधे कनेक्ट है, थोड़ी सी आवाज। नमस्कार, नमस्कार स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम आपको, सलाम वालेकुम आदाब स्वामी जी, आगे वो सलाम वालेकुम कह रहे हैं आपको, प्रणाम प्रणाम, वालेकुम अस्सलाम। तो ये योग का शौक कब से गुलाम सरवर साहब आपको है, कब से कर रहे हैं आप ये? कई वर्षों से मैं निरंतर कर रहा हूँ और टीवी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जुड़े थे, आज आप सीधे साक्षात आपके साथ जुड़े हैं स्वामी जी। अच्छा, ये पेड़ पौधों का बड़ा शौक है आपके, आपको और एक एक पेड़ आप मुझे पीपल का दिखा रहे थे, गणेश जी की आकृति बन गई। जी जी जी, और आप ये भी पूछ रहे थे, असल में स्वामी जी दिक्कत ये हो रही कि आवाज आपकी से मुझ तक आ रही है तो गुलाम सरवर साहब उसके साथ रिलेट खुद को नहीं कर पा रहे। सरवर साहब ये बताइए कि अभी आप कह रहे थे कि आप लगातार इस इलाके में जहां पर हैं, यहां पर योग को लेकर के आप लोगों के बीच अवेयरनेस भी फैला रहे हैं और कुछ पूछना चाह रहे थे, आपकी वो लीवर से जुड़ी हुई क्या बात जी? हमारा इलाका जो है आज के दिनों में लीवर से ग्रसित इलाका हो चुका, बीमारी से, लीवर की बीमारी से हर आदमी का, आप अल्ट्रासाउंड कराइए तो आपको लगेगा कि सबका फैटी लीवर है, 1, 2, 3 तक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बार बार सुना है लेकिन एक बार चाहते हैं आप जी, उसके लिए आप फिर से जो तो बताएं, मुझे बताएं इस इलाके। जरूर जरूर गुलाम साहब, आपने जो बात फरमाई है वो बहुत जो है बड़ी समस्या है स्वामी जी, एक कैंप को ये गुलाम सरवर साहब चाहते हैं कि आप पूर्णिया में लगाएं इनके इलाके में, जाना ही पड़ेगा, पहले तो एक बार आया था, दोबारा आना पड़ेगा मुझे, और मीनाक्षी ज्योत्सना जी जी, फरमान जरा एक बार टेरिस गार्डन को अगर आप मुमकिन है, अगर आपके लिए तो जरा दिखाइए स्वामी जी। इस छत पर हर तरह की जड़ी बूटी भी है और हर तरह के पौधे हैं और तमाम जो सब्जियां होती हैं और विदेशों के जो पेड़ हैं वो भी इस छत पर हैं, बरगद है, पीपल है,
मेरे सामने एलोवेरा रखा हुआ है। इसके अलावा वो सारी चीजें जो आप बताते हैं, वो सारे पेड़ जो है गुलाम सरवर साहब ने अपनी छत पे लगा रखे हैं, और इसके लिए आपको इनाम भी वगैरह मिला। जी, जिला प्रशासन से हर साल स्थापना दिवस पे 14 फरवरी को हमें मिलता रहता है। और पीछे अलीना भी बैठी है, ये भी योग करती, लेकिन हम सरवर साहब को अलीना भी आपको सलाम कर रही है। इनकी उनको भी मेरा भी बहुत बहुत सलाम प्रणाम, उनको भी अभिनंदन आदाब। देखो, ये आपने बहुत बड़ा काम, काबिले तारीफ काम किया है, और बहुत बड़ी प्रेरणा है आप हमारे लिए गुलाम साहब, और आपने पूरे परिवार को योगमय बनाया है। जड़ी बूटियों से, जड़ों से, बड़ों से, पेड़ों से, प्रकृति से, संस्कृति से आप गहरे जुड़े हुए हैं, और जो ऐसे जुड़े हुए हैं ना, ऐसे हिंदू, ऐसे मुसलमान, ऐसे सिख, ऐसे ईसाई, जिनके भीतर ये सात्विकता और दिव्यता है, वही सच्चे अर्थों में इस देश के सच्चे नागरिक हैं। वो जो योग भक्त हैं, जो राष्ट्र भक्त हैं, जो प्रकृति और संस्कृति के सच्चे उपासक हैं, वही इस देश के गौरव हैं, और उसी से ही ये गौरव सावली परम वैभवशाली स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान महाशक्तिशाली भारत बनेगा। आपने जो लीवर के लिए पूछा, तो उसकी आधी औषधियाँ तो आपके ही इस टेरिस गार्डन में है। एलोवेरा है, गिलोय है, भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, मकोय है, इसको जो रेगुलर पी ले, नहीं तो सर्वकल्प काढ़ा या रेडीमेड में लिवोग्रिड, तो फैटी लिवर ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 हो, ग्रेड 4 हो, लिवर फाइब्रोसिस हो, हेपेटाइटिस हो। मैंने तो मरणासन्न लिवर के रोगियों को ठीक किया है, ये एक भ्रांति है सर्व साहब की। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस ठीक नहीं होता। मैंने तो लीवर ट्रांसप्लांट के लोगों को भी इससे बचाया है, और आप सबको भी ये प्रेरणा दो कि सुबह उठ करके भाई थोड़ा एलोवेरा पी लिया करो, एलोवेरा फ्रेश अपने घर में लगाओ, पतंजलि का लाने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई व्यापार के लिए नहीं करते ये काम, हम उपचार और उपकार की भावना से सबको जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं, जो जो जिनको उपलब्ध नहीं हो पाता उनको हम उपलब्ध कराते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोग अपने घरों में एलोवेरा लगाएं, एलोवेरा सुबह सुबह खाएं, एलोवेरा से जहाँ एक तरफ लिवर अच्छा होगा, हमारी स्किन अच्छी होगी, हमारी हड्डियाँ अच्छी होंगी, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और एलोवेरा ऊपर स्किन पर भी लगा लो तो एवर यंग दिखेंगे, आपकी चमड़ी भी चमकती रहेगी 100 साल तक। इतनी अच्छी बात है। आज जो है हमारे हुसैन भाई बहुत दिनों से जो है मोदी का मुसलमानों के साथ क्या कनेक्शन है, और एक पॉलिटिकल अवेयरनेस कितनी, उसके साथ योग के अवेयरनेस को भी आप सब जगह मापते रहते हैं, देखते रहते हैं, और जिधर लोग देखते हैं हुसैन भाई को, स्वामी जी इसमें दिलचस्प ये भी है, कार्यक्रम के साथ उसको उनको जो है उनको जोड़ते हैं। जी स्वामी जी, मैं सीमांचल के इलाके में हूँ, भागलपुर से आप कटिहार, कटिहार से पूर्णिया, पूर्णिया से अररिया, और हर जगह अच्छी बात ये रही कि हर जगह लोग मुझे पहचानते हैं और इस कार्यक्रम के साथ आपके साथ जोड़ते हैं, और ये सवाल पूछते हैं कि भैया आजकल आप आ नहीं रहे सुबह, तो मैंने कहा थोड़ा सा वक्त बदला, मैं सुबह के बजाय आजकल रात में आ रहा हूँ, और बहुत जल्दी सुबह की मुलाकात आपसे होती रहेगी। लेकिन मैं आ जरूर रहा हूँ, और अच्छी बात ये है हुसैन, हुसैन से कई मर्तबा जैसे मेरी फोन पे भी बात हुई ना स्वामी जी, तो ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छी बात ये है कि लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत अवेयर हुए हैं कोविड के दौरान, जो लोगों ने विभीषिका झेली है, योग और आयुर्वेद ने जो उन्हें संजीवनी दी है, उसका असर वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, समाज में महसूस कर रहे हैं स्वामी जी। और आप हमेशा ये कहते हैं कि जिनसे आसन ना हो पाए, मुश्किल हो, आसान हो, लेकिन वो आसन कर ही ना पाए, तो उनके लिए हर मर्ज की एक दवा है प्राणायाम। स्वामी जी प्राणायाम के जरिए कैसे बीमारियों को सर्वर साहब से पूछ लेते हैं। जी सर्वर साहब, ये बताइए कि मुसलमानों को योग से कोई एतराज तो नहीं है ना? आप तो नहीं, नहीं कोई एतराज नहीं है। तो पूर्णिया में आपके और लोग भी हैं जो बहुत सारे लोग योग कर रहे हैं, आज काफी लोग आने वाले थे, सब रोजों की वजह से शायद जो है थोड़ी सी सुबह उठने में सबको देर, सब सहरी करके सोए हैं, तो उसके बाद अभी खबर नहीं है। तो स्वामी जी यहाँ पर अच्छा, आपने ये जो पेड़ों वाला जो शौक है, ये कोविड के बाद हुआ या उससे पहले से है? नहीं, पहले से, पूर्वजों से। अच्छा, पीछे से चला आ रहा, पिताजी दादा से। तो ये स्वामी जी बड़ा अच्छा है, यहाँ पर बहुत शानदार गार्डन इन्होंने बना रखा है छत के ऊपर।
और परिवार के काफी लोग जो है वो योग भी करते हैं। तो इस गार्डन में हुसैन आप और सरवर साहब दोनों अनुलोम विलोम तो कर ही सकते हैं। स्वामी जी आप भी प्राणायाम का एक सेशन हमसे करवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ वो मैं करवा ही देता हूँ, और गुलाम सरवर साहब से भी कहूंगा, हुसैन भाई से भी, आप भी मेरे साथ कपाल भाती अनुलोम विलोम कीजिए। जड़ों से जुड़े, बड़ों से जुड़े, पेड़ों से जुड़े पूर्वज बात कही, कितना अच्छा शब्द बोला हमारे गुलाम सरवर साहब ने। हमारे पूर्वज एक ही हैं। ये मजहबी तौर तरीके, पूजा पाठ की पद्धतियाँ, उपासना पद्धतियाँ, हम कैसे उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का सिमरन करते हैं, उसके लिए शब्द भेद हो सकता है, तत्व का भेद तो वहाँ पर भी नहीं है। तो हमारे पूर्वज एक है, हमारी मूल संस्कृति, हमारी मूल प्रकृति एक है, हमारा वतन एक है, हमारा कुल खानदान एक है, और ये धरती माता सबकी एक, मूल प्रकृति तो एक ही जैसी है ना। पंच तत्व का ये जो पूरा ताना बाना है, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, फाइव एलिमेंट्स आर एवरीवेयर इक्वल, और उन पांच तत्वों को हम पांच प्राणायामों से, भस्त्रिका से, पांच मूल तत्व प्रकृति के, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय और आत्मा, ये पांच का संयोग, पांच पच्चीस का पूरा ये जो ताना बाना है उसको हम भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो सब बच्चों, और सब बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के बड़ों से लेकर के सबको हमने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, योग तो हमको सच्चा इंसान बनाता है, वो सच्चा हिंदू होगा, सच्चा मुसलमान होगा, सच्चा ईसाई होगा, सच्चा जैन बौद्ध होगा, वो सच्चा पत्रकार होगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में भी जो मूल्यों का क्षरण हो रहा है, सब जगह योग से चरित्र का उत्थान होगा, उत्कर्ष होगा। तो ये कपाल भाती देखो ऐसे अनुलोम विलोम तो 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, एक प्रवाह से करते हैं और बड़े रोगों में इसको लंबा करवाते हैं, और कपाल भाती में भी 1 सेकंड में एक बार ऐसे, जो मैं कह रहा था ना, मूलाधार से शस्त्रार तक देह देवाला हो जाता है, 37 ट्रिलियन सेल्स हो, अष्ट चक्र हो, नवद्वार हो, पंचकोश हो, पंच प्राण हो, पंच उप प्राण हो, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय सहित आत्मा, जो 5-25 का पूरा 37 ट्रिलियन सेल्स, सारे ऑर्गन सारे एक्टिवेट होते, देखो कपाल भाती कितना जबरदस्त है। एक प्राणायाम के 100 फायदे हैं, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, गॉल स्टोन, पैनक्रियाज में स्टोन, जिनको इन्फर्टिलिटी है, जिनको पेशाब की दिक्कतें हैं, जिनको खाने पीने में दिक्कतें हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस है, जिनको सांस की दिक्कत है, जिनको फेफड़ों की दिक्कत है, जिनको थायराइड की दिक्कत है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको अर्थराइटिस, अस्थमा है, एक कपाल भाती, और चेहरा चमक उठता है, जैसे मेरा चेहरा चमक रहा है, मेरे चेहरे पर तो पसीने की बूंद भी मोतियों की तरह आ गई है। स्वामी जी हम भी अपनी तारीफ कर लेते हैं, हम भी चमक रहे हैं, खूब पसीना हमने भी बहाया है। स्वामी जी लगातार 4 साल पूरा करके योग का अपना ये स्पेशल शो अब 5वें साल में प्रवेश कर गया है। स्वामी जी आज तो मुंह मीठा करना बनता है, आप मुंह मीठा करने की तैयारी कराएं। तब तक दर्शकों को बता देती हूँ कि कल के शो में क्या खास होने जा रहा है। चिलचिलाती धूप ने बढ़ाई टेंशन, बढ़ती गर्मी में कैसे रहें सेहतमंद, बिगड़े त्रिदोष, फिर 7 बीमारी का डर, कैसे बैलेंस रखें वात पित्त और कफ, योग गुरु का हेल्थी लाइफस्टाइल सेशन 40 मिनट में 40 रोगों का होगा अंत। तो हर रोज की तरह इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा, सुबह 7:56 से पहले ही अपनी मैट बिछा लीजिएगा, दरी बिछा लीजिएगा, योग हमारे साथ, योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ करिएगा, शरीर के त्रिदोष को बैलेंस करिए। स्वामी जी आज मीठे में क्या है? देखो आज मिठाई भी हमने 1-2 नहीं, ऐसे 50 से ज्यादा मिठाइयां भी तैयार करते हैं, लेकिन ये बाहर बेचते नहीं है। यहाँ गोंद के लड्डू से लेकर के, बादाम के लड्डू से लेकर के, रसगुल्ले से लेकर के, और पेड़े से लेकर के, बर्फी से लेकर के, और कलाकंद से लेकर के, और ये जो है ये उसकी है, क्या कहते हैं, काजू, चलो खोलो और खाओ, हाँ लो खाओ, खिलाओ सबको, बांटो। तो ये आज जो है पूरा ये पेड़े से लेकर के, ये पेड़ा भी इतना जबरदस्त है, एक बार में एक अंदर चला जाता है। और स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, और इस वादे के साथ बाकी का तो शुगर बढ़ जाएगा। योग का ये सिलसिला 5वें साल में प्रवेश कर रहा है इंडिया टीवी के साथ, दर्शकों के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव के मार्गदर्शन में। स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हुसैन आपको भी बड़े दिनों के बाद हमारे शो में वापस देखकर
बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आप भी हमारे साथ जुड़ते रहिए। शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।